जरनैल सिंह और कुछ और MLAs जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, जिनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में प्रोसीडिंग चल रही है, उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने मुझे कहा कि ये एग्जामिन करो कि जो इलेक्शन कमीशन के पेपर लीक हुए हैं, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। एग्जामिन करने के बाद हमने ये देखा कि ये क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इलेक्शन कमीशन के आगे जो प्रोसीडिंग चल रही है, ये सेक्शन 146 का 4 ये कहता है कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब कि वो कोर्ट है। अभी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं लिया, अभी वो जो नोट है किसी क्लर्क ने या किसी ने तैयार किया है, जो मेन फैसला लेना है वो लेना है इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स में, जो कि वो मेंबर फैसला लेंगे, उनके ऊपर कोई और चीज़, कोई नोट किसी का बाइंडिंग नहीं है। अगर किसी भी जज को, किसी कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा काम करे तो वो सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के आगे केस पेंडिंग था, उन्होंने एक पंपलेट छाप के, जिसको हाई कोर्ट ने कहा कि इस पंपलेट से कंटेम्प्ट किया गया कि उन जो जजेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया। अब ये यहाँ पे जो मामला है, कुछ टीवी चैनल और कुछ लीडर ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने इंटरनल नोटिंग इलेक्शन कमीशन के फाइलों के बीच में से निकाल दी है और वो टीवी पे चला रहे हैं। इसका मतलब वो जुडिशियल प्रोसीडिंग से इंटरनल फाइंडिंग को निकालना, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। उसको आके टीवी पे दिखाना, इसका मतलब वो जो जजेस हैं, इलेक्शन कमीशन के मेंबर, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो की जा रही हैं, वो क्लियरली क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। और हम ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए एडवोकेट जनरल की परमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल की परमिशन देने के बाद हम ये हाई कोर्ट में क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग डालेंगे। साथ साथ हम इलेक्शन कमीशन को भी ले रहे हैं, लिख रहे हैं कि जिसने भी ये लीक किया है वो इंक्वायरी करे और उसको ऊपर इलेक्शन कमीशन भी एक्शन ले और हमें भी उसका नाम बताए, ताकि उसके साथ भी, उसके खिलाफ भी हम उसका नाम क्रिमिनल कंटेम्प्ट में हम ऐड कर सकें। और ये कल को ही हम ये लेटर लिख, नोटिस लिख के एडवोकेट जनरल की परमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं।